तो मैं आई लव यू सो मच आई एग्री दैट 2k सब्सक्राइबर्स ऑन फर्स्ट व्लॉग इज ड्यू टू फॉर हिम हेलो गाइस अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो सो आज पे व्लॉग नहीं होने वाला है जो वीडियो होने वाला है Q&A सेशन सो मैंने आपको बोला था 5k पे प्रॉमिस किया था मैंने आपको मैं एक Q&A डालूंगा सो जिसके लिए मैंने कम्युनिटी में पोस्ट भी चढ़ाया था और मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी में भी चढ़ाया था फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच 5k सब्सक्राइबर्स करने के लिए बहुत जल्दी हुए बट उतना भी जल्दी नहीं हुआ जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था ठीक है सो मेरे साथ अभी मुझी अस्सलाम वालेकुम गाइस क्या हाल है सब कैसे हो आप बढ़िया बढ़िया तो अभी हम लोग शुरू करें Q&A सेक्शन तो यहाँ पर जो आए क्वेश्चंस ज़िब्रान भाई को तो लॉट ऑफ क्वेश्चंस है कि डियर करो या प्रैंक कॉल करो वो करो अब देखते हैं जितना हो सकता है यूट्यूब पे आए थे लगभग 300-400 क्वेश्चन है ना और इंस्टा पे भी आए थे 200-300 मैंने ज्यादा नहीं अब जितने हो सकते हैं उतने में पिक करूंगा बट जो डियर आए थे वो नहीं कर पाऊंगा उसके लिए सेपरेट वीडियो उसके लिए मैं इंशाल्लाह 6k पे या उससे पहले ही सेपरेट वीडियो बनाऊंगा ठीक है उसके लिए मैं अलग पोस्ट चढ़ाऊंगा उसमें आप देना डियर सो करते हैं स्टार्ट तो जिब्रान भाई पहला क्वेश्चन फ्रैंक गाई की तरफ से फ्रैंक गाई ने पूछा है व्हाट लिविंग एंड बीइंग बोर्न इन कश्मीर मींस टू यू मतलब एक हिसाब से हमारी किस्मत ही हम कश्मीर में पैदा हुए बट जो दूसरा पहलू है कश्मीर का वो हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे बिकॉज मैं उसके लिए काबिल नहीं हूँ उस बारे में बात करना ठीक है बाकी जितना मुझे पता है कश्मीर का मैं तो जा सकता हूँ कहीं भी बट मैंने देखा है मतलब अपर रीच में ठीक है ना अपर रीच में मैंने देखा है वहाँ पर ज्यादा घूम फिर नहीं पाते सो जिब्रान यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है स्नोबर परवेज की तरफ से टेल अस अबाउट योर बिगेस्ट टर्न ऑफ इन फ्रेंडशिप सो पहले मुझे बता मुझे तू फ्रेंड क्या होता है फ्रेंड वो होता है जो बुरे वक्त में इंसान के साथ हो मतलब इंसान अपने माँ बाप के साथ जो बातें शेयर नहीं कर पाता है भाई के साथ जो बातें शेयर नहीं वो फ्रेंड के साथ करता है सो टर्न ऑफ की मैं ऐसे बात करूंगा कि मेरा एक फ्रेंड था उसने मेरी मतलब मैं उसके बहुत काम आया हूँ ठीक है वो सबको पता है किसके क्या काम आया हूँ मगर जब मेरी बारी आई फिर मतलब मुझे नहीं लगता मुझे किसी ने सपोर्ट किया उस चीज़ में किसी ने नहीं अभी तक ठीक है सो इस बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा आप समझ गए होंगे सो जिब्रान थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर फुटबॉल वर्ल्ड की तरफ से इसने एक बेचारे ने एक ही क्वेश्चन 5-6 बार पूछा है इसका क्वेश्चन ये है कि हु इज़ योर इंस्पिरेशन एंड 5k पे आपको कैसा फील आया तो पहली बात इंस्पिरेशन मतलब मैं किसी से इंस्पायर नहीं होता हूँ मैं रोज़ सुबह शीशे में देखता हूँ खुद को और मतलब दिन भर इंस्पायर रहता हूँ करना क्या है क्या नहीं करना है ठीक है बाकी मैं मतलब मुझे पता है मैं कितना स्ट्रगल कर रहा हूँ अभी किस लिए वो मैं यूट्यूब के लिए नहीं कर रहा हूँ स्ट्रगल बहुत चीज़ें होती है ज़िंदगी में मतलब पर्सनल लाइफ भी होती है बाकी सारा यूट्यूब नहीं होता है और आपको भी पता है मैं सब कुछ नहीं करता डिस्क्लोज इस पे यूट्यूब पे ठीक है बाकी 5k पे कैसी फीलिंग आई बहुत ज़्यादा अच्छी आई बट मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना लेट होगा बहुत ज़्यादा लेट होगा मतलब 4 वीडियोज में मुझे 4k थे अभी 11th की 12th वीडियो हो गए अभी हो गए 5k बट फिर भी एनीवेज थैंक यू सो मच फॉर 5k नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अब्राडार की तरफ से डू यू एग्री दैट 2k सब्सक्राइबर्स ऑन फर्स्ट व्लॉग इज ड्यू टू फहीम यस आई एग्री कम्युनिटी वगैरह में पोस्ट चढ़ा है आपके फहीम ने सो उसी मतलब उससे भी हो सकता है 5k भी अगर आप बोलोगे उसी की वजह से तो मैं मानने को तैयार हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्मरा सईद की तरफ से विच फोन डू यू लव द मोस्ट मतलब जब से मैं फ़ोन चला रहा हूँ पहले मेरे पास था G2 उसके बाद मैं ला आईफोन तब से मैं सिर्फ आईफोन ही चला रहा हूँ बिकॉज मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है आईफोन एज़ कम्पेयर टू एंड्रॉयड मतलब इजी भी है चलाने में बाकी को लगता है टफ बट मुझे नहीं लगता है टफ है बट बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ोन है कैमरा क्वालिटी भी अच्छी प्राइवेसी अच्छी इसीलिए मेरा फेवरेट फ़ोन है आईफोन सो जिब्रान अनदर क्वेश्चन है जिमी भट्ट की तरफ से अस्सलाम वालेकुम भाई वालेकुम सलाम माय क्वेश्चन इज दैट कॉल योर पेरेंट्स एंड से आई लव यू सो मच एंड शेयर विद अस हाउ यू फील आफ्टर दिस लव यू होप यू विल पिक माय क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल आई लव यू मोर बट ये क्वेश्चन नहीं है डियर है बट फिर भी मैं करता हूँ मैं सारे डियर नहीं उठा रहा हूँ ठीक है सो करते हैं डियर ट्राई करते हैं पापा को फोन पिटने वाली है इसका सुनते कसम से सीक्रेट बिल्कुल भी नहीं है ट्रस्ट मी गाइस हेलो हेलो हाँ हेलो हेलो शिकायत आई लव यू सो मच खले जीजा क्या था जल्दबाजी में पापा का फिर से करेंगे ट्राई अगर किया उन्होंने वापस तो ठीक है करेंगे इसे फिर से क्या बोले उनको एक कारण सो मच चाहिए इसमें क्या हमें खबर क्या कसम से गले दे गए तू बता ना तुम लोग मुझे मरवा के मानोगे यार हेलो हाँ
دوما اي لاف يو سو ماتش سشينا باي لا والله دوتي بو يمر تگاج ناگز نندر بيو كينا باي سوور كاتو پتا ونا پتا پتا मतलब मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं था पापा लव यू टू बोलेंगे, मैंने ऐसा कभी नहीं बोला उनसे, ठीक है, बट आज पहली बार बोला, सो पापा लव यू सो मच अगेन, ठीक है। सो अब उठाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर बाजला की तरफ से। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस ब्रो, कीप स्माइलिंग। इसका क्वेश्चन है, हु इज योर फेवरेट यूट्यूबर? माय फेवरेट यूट्यूबर इन कश्मीर इज इदरीस मीर, ठीक है। मुझे उनका बोलने का स्टाइल बहुत अच्छा लगता है, मतलब वो मतलब बहुत अच्छे तरीके से बोलते हैं। इंडिया में सौरभ जोशी है ना, सौरभ जोशी ब्लॉग्स, मतलब वो अच्छे ब्लॉग्स बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर मीर नासु की तरफ से। भाई माय क्वेश्चन इज, से थ्री टाइम्स अल्लाहु अकबर, बाकी शी लव यू एंड अल्लाह ब्लेस यू एंड योर फैमिली। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सो लव यू सो मच, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर एंजल हद्दू की तरफ से। जिबू मेरा क्वेश्चन नहीं, एक डियर है कि आप एक गाना गाओ प्लीज, ये क्वेश्चन भी लेने में, बिग फैन। गाना मैं तो फिर मेरे साथ तू गाएगा प्लीज, प्लीज, प्लीज ब्रो, नो, ये गाएगा, हाँ नो, नो, मत कर, ऐसा देखते हैं, चलो तो दिल की रग 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 इतना काफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर वसीम मीर की तरफ से, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जिब्रान तेरी कितनी जीएफ से, सच बोलना, बाकी चीज लव यू, कीप इट अप ब्रो। ये क्या मतलब होता है कितनी जीएफ से? कोई भी नहीं, हिसाब नहीं है। क्या बोल रहा है यार तू, कोई भी नहीं है ना चाहिए, थैंक यू सो मच। क्या बोल रहा है तू यार, हिसाब नहीं है, ये क्या वो खाता बुक है, हिसाब नहीं है, कोई नहीं है। तू मुझसे बेहतर जानते मेरे भाई, देखने वाले भी बेहतर जानते हैं। अनदर क्वेश्चन है यहाँ पर, इस्लाम की शाहजादी। जिब्रान ब्रो आपने कुरान पाक कितना पढ़ा है और सूरह कितने याद है आपको? मतलब मैं जब छोटा था तब जाता था दरसगाह, जाता था, हाँ मैं जाता था दरसगाह, क्या बोल रहे हैं, मैं जाता था दरसगाह, सीरियसली बोल रहा हूँ मैं, मतलब मैंने दो बार कुरान पढ़ा है, पूरा पढ़ा है, मतलब हिफ्ज़ नहीं किया है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बोलता मैं हिफ्ज़ कराया हुआ है। तीस सिपारे तूने पढ़ी? पढ़ा है, मैंने दो बार पढ़ी है 30 सिपारे, मतलब पहले एक बार कंप्लीट किया पढ़ के, फिर दूसरी बार फिर से मैंने पढ़ा है। उसके बाद जो सूर्य है, मतलब मुझे याद है पूरा कितने मैंने याद किया, अभी नहीं याद है मुझे सारे, बट ऑलमोस्ट 30 तक होंगे सूर्य याद। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर Aisha21 की तरफ से, आप कहाँ रहते हो? मैं रहता हूँ बिरला श्रीनगर। किस क्लास में पढ़ते हो? क्या एक एक करके पूछ रहे हैं इसने बहुत मैंने रिसेंटली 12th का एग्जाम दिया, पता नहीं रिजल्ट क्या होगा। एंड आपका स्ट्रीम क्या है? कॉमर्स। और इसका एक और क्वेश्चन है, कुछ शायरी हो जाए सैड लेकिन अपना या किसी और का भी चलेगा? ना मुझे अपना आता है ना मुझे किसी और का आता है, बाकी शायरी की रही बात, हमारा मुझी है शायरी के लिए, इसको आती है बहुत अच्छी शायरी कर, पता नहीं इसको क्या हुआ शायरी करने के लिए, चल कर तू सीरियस, हाँ बता दे एक शायर, थोड़ा लाउड बोलना भाई। तेरा बेवफा होना भी मुझको बावफा लगा था, वाह वाह वाह, ना जाने क्यों तेरा गलत भी मुझको सही लगा, वाह वाह वाह, तेरा जुल्म नहीं है शामिल अगर मेरी बर्बादी में, बता फिर ये आंखें भीग रही है क्यों मेरे अफसाने से, खुद लिखा है भाई ने, खुद पुरानी यादें ताजा करके भाई तुम, मेरी तो रोज हुई। चल चल। सो अनदर क्वेश्चन बासित की तरफ से, अपना बासित है शायद, ये मेरा क्लासमेट है 10th तक मेरा क्लासमेट, अब मेड पढ़ रहा है, अब नीट दे रहा है इसको, ठीक है, कांग्रेट, मतलब बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नीट एग्जाम। तो इसने बहुत बड़ा क्वेश्चन लिखा है यहां पर रेसिज्म के मुताबिक, व्हाट आर योर व्यूज ऑन रेसिज्म जनाब, ये बहुत बड़ा है, तू खुद से पढ़ ले, तू देख ले। सो व्हाट आर योर व्यूज ऑन रेसिज्म? मैं रेसिज्म के बारे में यही बात करूंगा, हमारे कश्मीर में भी हो गया है बहुत सारा रेसिज्म, होना नहीं चाहिए, मतलब हम वी आर मुस्लिम है ना भाई, इस्लाम जो हमारा दीन है हमें इक्वलिटी देता है, यहाँ पर चाहे कोई भी हो, किसी भी कास्ट, क्रीड, कलर का हो, जब मस्जिद में हम नमाज पढ़ने जाते हैं तो सफों में इक्वली बैठते हैं ना, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए कश्मीर में। हम बस ये बात याद रखो, वी आर मुस्लिम्स, हमें रेसिज्म नहीं होना चाहिए। सो दीज डेज वी अ लॉट ऑफ रेसिज्म गोइंग ऑन इन कश्मीर, लाइक मोस्ट ऑफ द स्ट्रीट्स आर टॉकिंग ट्रैश अबाउट विलेज पीपल फॉर नो रीजन। ये बात गलत है, मतलब ये बात कुछ टाइम पहले उठी थी, मतलब इस पे कंट्रोवर्सी भी बहुत उठी थी, मतलब मैं बोलूंगा, मतलब जो गांव के लोग होते हैं और गांव की, मतलब इतनी खूबसूरत होती है, हम चाहते हैं हम रोज जाए, रील्स बनाए, वीडियो बनाए, ब्लॉग बनाए उस पे, मतलब और लोगों को तो पूछो मत, मतलब मुझे लगता है शहर से बहुत अच्छे लोग है गाँव में।
जाते हैं मतलब घूमने वूमने जाते हैं जहाँ पर भी हम जाते हैं, बहुत प्यार दिखाते हैं वहाँ पर, मतलब अपना समझ के रखते हैं, अपने समझ तरीके से बातें करते हैं। At all and cursing them and also the poor or middle class people, mostly youngsters are cursing the rich people and telling that they all are goons and are looting poor people and they all are earning through haram sources. Otherwise they wouldn't have that much money. Give your views on that. देखो मसला क्या होता है इस पे मैं कहना चाहूँगा, सॉरी जबराम भाई आपकी बात काट रहा हूँ जी, हम लोग ये हमारी सोसाइटी में भी मेन थी है, हम लोग देख रहे हैं कि यार कोई मतलब अमीर है उसको हम बोल रहे हैं मेरे भाई ये मैं लूट मुझ ऐसे हराम खावा, देने वाला अल्लाह है, मतलब सब मेहनत करते हैं जो अमीर है गरीब है सब मेहनत हर कोई करता है, मतलब अब किसी का होता है, मतलब अब किसी का होता है ऐसा सील उसने रखे होते हैं आदमी, मतलब उसके लिए भी उसने मेहनत की होती है, जो अमीर होता है ना उसने रखे होते हैं, वर्कर्स रखे होते हैं, बाकी देने वाला अल्लाह होता है। अगर कुरान में फरमाता है कि मैं देखना चाहता हूँ जिसको मैंने दिया है वो गरीबों को कैसे मदद करेगा, जो मतलब उससे छोटे हैं या कम है उनको वो मदद करेगा कि नहीं। तो हम लोगों का क्या, अगर हम लोग 10 रुपये या 100 रुपये देते हैं किसी मुसाफिर को किसी को भी, तो हम लोग ला सीना तान के अक्कड़ से चलते हैं, मतलब हम लोग ये नहीं सोचते कि उस अल्लाह ने हमारा वो कबूल किया भी कि नहीं, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। बाकी बासित भाई आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसके बारे में बात करना ज़रूरी था। बाकी अगर सब अमीर होते तो दुनिया में गरीब कौन रहता, ये सब अल्लाह की मर्जी, और अमीर गरीब सबको मरना है। ठीक है, लास्ट के 2 क्वेश्चन करेंगे उसकी वीडियो बहुत लंबा बन रहा है, ठीक है आप भी बोर हो जाओगे। तो साइमा खान का क्वेश्चन है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आप वीडियो बनाते वक्त इतना नर्वस क्यों होते हो? बाकी लव फ्रॉम कुपवाड़ा। ये बात सच है, मैं नर्वस हो रहा हूँ, अभी भी हो रहा हूँ मैं नर्वस, मुझे खुद नहीं पता मैं क्यों हो रहा हूँ, बिकॉज मैंने बोलूँगा कैमरा शाय हूँ, था पहले बट इतना नहीं हूँ अभी, बट जैसे जैसे मैं वीडियो बनाऊंगा मुझे लगता है वैसे वैसे होगी इम्प्रूवमेंट, क्योंकि मैं नहीं ब्लॉगर था पहले से ही, जनमानी था मैं ब्लॉगर पहले से ही। ठीक है, बाकी ना किसी की गाइडेंस ना किसी का कुछ, खुद ही करना पड़ता है जो भी कर रहा हूँ मैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेहरान खान की तरफ से, जब आपने यूट्यूब स्टार्ट किया था तो आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था? प्लीज पिक माई क्वेश्चन, लव फ्रॉम बड़गाम। मतलब यूट्यूब मैंने मुझे लगता है 3 किस्तों में स्टार्ट किया था, पहले कश्मीरी ब्लॉगर चैनल पे, उस टाइम मुझे उतना घर वालों का नहीं पता था, उस टाइम मुझे डांटते थे घर वाले क्योंकि मैं उस टाइम ज़्यादा गाँव में जाता था वीडियोज़ बनाने, जैसे बाबा मुदस्सिर के साथ गया था मैं वीडियो बनाने, और भी कुछ यूट्यूबर्स के साथ गए थे हम वीडियो बनाने। और रही बात यूट्यूब की, घर वालों की ओपिनियन की, मतलब घर वाले नहीं बोल रहे कुछ, घर वाले बोल रहे करो तुम यहाँ से अपना काम भी करो, यूट्यूब भी करो, जो करना है, मुझे नहीं बताते ज़्यादा कुछ घर वाले, बिकॉज दे ट्रस्ट मी। मोहम्मद मकबूल की तरफ से, इसने बेचारे बोला है कि आपको आदत है ठीक है ठीक है या कहने की, या फिर आपको फहीम व्लॉग से ठीक है की आदत हो गई है? मुझे खुद ही समझ आ रहा, पता है मैं ऑफन टाइम्स करता है क्या हूँ, जब मैं व्लॉग एडिट करने बैठता हूँ ना, जो ये ठीक है मैं बोलता हूँ ना, मैं वो एडिट करता हूँ, वही थोड़ा शॉर्ट एक आधे सेकंड का होता है वो मैं कट करता हूँ, जब मैं ज्यादा बोलता हूँ ठीक है पता नहीं कंफर्टेबल लगता है बोलने में, बाकी मैं कर रहा हूँ काम कम, बाकी ठीक है और सो ये 2 चीज़ें जो मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह इन फ्यूचर हो जाएगी काम। ठीक है, अब हो गए तुम्हारे क्वेश्चन? अब भाई बख्श ले मुझे, बाकी जिनके भी क्वेश्चन थे और इतना वीडियो बड़ा हो जाता, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह 10K जब हो जाएंगे इंशाल्लाह तब करते हैं बाकियों के पिक, उस टाइम मैं अलग डालूंगा, बाकी जो प्रैंक वीडियो और जो है जो मतलब प्रैंक कॉल्स है या डियर वीडियोज है वो मैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट व्लॉग में वीडियो में डालूंगा, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, उसके लिए भी एक पोस्ट डालूंगा मैं कम्युनिटी में, उसमें देना आप क्या डियर देना है, जो पॉसिबल होगा मेरे लिए वो मैं कर, बाकी मिलता है किसी नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस Q&A सेशन, स्कूल के रिलेटेड क्वेश्चन बाद में देखते हैं। सो मिलता है किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।